ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रेलवे के विकास और विस्तार पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य विजय दत्त और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते वर्षों में जिस तरह से रेलवे में ढांचागत विकास पर ध्यान दिया गया है और इसमें हमने प्रगति को देखा है, उससे कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसमें एक प्रमुख आंकड़ा है कि रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल ही का भारतीय रेलवे का आंकड़ा है कि कुल राजस्व में पिछले साल की अवधि की तुलना में इस बार अगस्त 2022 तक 38% बढ़ोतरी हुई है। इस साल अगस्त महीने के आखिर में भारतीय रेलवे का कुल राजस्व करीब 95,486 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले साल की अवधि के मुकाबले 26,271 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विजय जी, रेलवे मंत्रालय के ये आंकड़े हैं कि यात्री परिवहन से राजस्व लगभग 25,276 करोड़ रहा है और इसमें पिछले साल की तुलना में 116% की बढ़ोतरी हुई है। तो जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में रेलवे के ढांचागत सुधार को हमने देखा है, इससे जो यात्री हैं उनको किस तरह से सहूलियत और सुविधाएं मिली हैं जिससे कि रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हुई है? जहाँ तक राजस्व की बात करूंगा, पिछले साल कोविड का पीरियड था। नॉर्मली रेलवे का जो राजस्व होता है करीब 55,000 करोड़ हमें मिलता है पैसेंजर रेवेन्यू से। रेलवे पैसेंजर पे करीब 70 से 80 हजार करोड़ खर्च करती है। पिछले साल तो ये कोविड का पीरियड था, लेकिन ये बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस वक्त जो एमिशंस हैं रोड सेक्टर से 95% हैं, रेलवे से कभी 2% होते थे, लेकिन जब से 100% विद्युतीकरण हो गया और हम रिन्यूएबल से चला ले रहे हैं कि अब नगण्य हैं। तो जितनी आप रेल से यात्रा करते हैं क्लाइमेट चेंज को, एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं और देश की क्या विश्व की प्रगति की तरफ जाते हैं, तो इसमें एक तो रेलवे में क्षमता होनी चाहिए। रेलवे का टिकट भी सस्ता है, हर आदमी जाना चाहता है, तो बढ़ोतरी तो बहुत अच्छी बात है, इससे पर्यावरण का भी सुधार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, रेलवे में कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितने व्यक्ति चलना चाहें वो चल पाए। इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साहब टिकट ऑन डिमांड, आपको प्रतीक्षा सूची समाप्त कर दी गई, पर उसके लिए रेलवे की क्षमता का विकास होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें रेलवे का प्लान जो 2021 में आया है, जिसमें ये कहा गया है कि रेलवे का क्षमता का विकास हम इस प्रकार करेंगे कि पैसेंजर को ऑन डिमांड टिकट मिलना चाहिए, जो चलना चाहे वो चल गए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है, हम इसमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। माल ढुलाई की अगर बात करें विजय जी, तो माल ढुलाई से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिए भी रेलवे ने कई अहम कदम उठाए और इसका परिणाम भी देखने को मिला है कि माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी वृद्धि दर्ज हुई है। और हमने कोविड काल में देखा कि मालगाड़ियों से सामान पहुंचाने में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसमें अगर कुछ उदाहरण देखें जिसमें कि रेलवे ने कुछ कदम उठाए थे, एक तो कि मालगाड़ी में जो 42 वैगन होते हैं उसमें ज्यादा सामान पहुंचाने के लिए लगभग 150 से ज्यादा वैगन वाले, हमने ऐसे उदाहरण भी देखे कि ऐसी मालगाड़ियां चलाई गई जिसमें से कि शेषनाग वैगन वाली और अन्नपूर्णा जिसमें कि अन्न पहुंचाया जाता है, अम्बा अंत्योदय, तो इस तरह के जो कदम रहे और यहां तक कि मालगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ाई गई, किस तरह से इससे भी राजस्व को बढ़ाने में मदद मिली है? जो रेलवे से रेवेन्यू है, जो रेलवे से ढुलाई है, जितने प्रतिशत बढ़ेगी उतना ही वातावरण, उत्सर्जन और देश का फायदा होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। जैसे आपने कहा, बहुत सारे कदम उठाए गए। एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो गया, चलने जा रहा है। दूसरी बात ये जो आपने कहा है कि वासुकी, शेषनाग, सुपर वासुकी, जो कि गाड़ी है जिसमें 15 इंजन लगे हुए हैं जो रिमोट कंट्रोल से इससे चलती है और गाड़ी की लंबाई काफी है, जिसको DPTS सिस्टम कहते हैं, पहली बार भारत में इस प्रकार से लागू हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है इस डायरेक्शन में। जहां तक स्पीड की बात करें, यहाँ स्पीड भी बढ़ी है। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ऑक्सीजन ट्रेन जो रेलवे में चलाई कोविड काल में, और जो रेलवे में बेड्स दिए गए कोचेस में, जो कि विश्व में कहीं नहीं इस प्रकार से हुआ। लेकिन एक चीज कमल जी इसमें कहना चाहूंगा, जो 54,000 करोड़ था नॉर्मली रेलवे को, 90,000 से 95,000 करोड़ आय होती है 2018 के अगर आकर देखिए, 65,000 बहुत अच्छा, लेकिन आगे जाना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, रेलवे का जो अनुपात है, जो कि आजादी के समय 1950 में 80% रेलवे से जाता था, घटकर अब 27% रह गया है। रेलवे का नेशनल प्लान आया है, उसमें कहा गया इसको बढ़ा के 43% करना है 2030 तक, और उसके बाद इस तरह से करना है कि जैसे हमारा विकास होता जाए
चाहता है 2050 तक ये 43 से 47% रहे। ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसके लिए जो क्षमता विस्तार है उसके लिए बहुत तेजी से कदम उठाया जा रहा है। अगर आप उत्सर्जन को देखें, क्योंकि रोड से 95% है, अगर आज का उत्सर्जन आपको कंट्रोल करना है तो रेल का शेयर 43 से आपको 65 से 70% ले जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गतिशक्ति योजना लागू की है, जिसमें एक ही पोर्टल पर 14 मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें कोई डुप्लीकेशन ना होने पाए। अगर आपके पास क्षमता है तो रेलवे से जाए, ज्यादा से ज्यादा रेलवे, रिवर ट्रांसपोर्ट, मरीन ट्रांसपोर्ट, यहाँ ऊर्जा कम खर्च होती है, एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसका प्रयोग किया जाए। तो ये जो है गतिशक्ति, जो हमारे पास भारत में क्या है, युवा है, इनोवेशन है, दिमाग है, किस प्रकार से हम 43% को 65% अपनी योजनाओं में अपनी बुद्धिमानी लगा के कर सकते हैं, वही चैलेंज है। इस दिशा में भी आगे बढ़ा जा रहा है। विजय जी, अब लगातार जो रेलवे है उनके रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, और 2021 में तो हमने देखा कि ये एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ रूट का। इसके अलावा और भी कई तरह के विकास किए जा रहे हैं, जैसे कि नई लाइनों को बिछाया जा रहा है, लाइनों की डबलिंग की जा रही है, और रेलवे की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए नई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। तो जिस तरह से रेलवे का पूरा स्वरूप बदल रहा है, उससे आप आगे आने वाले समय में भारतीय रेलवे की कैसी तस्वीर देखते हैं? बहुत अच्छी तस्वीर देखते हैं। ये जो 60% इलेक्ट्रिफिकेशन है 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, और भारतीय रेलवे विश्व में एक ही रेलवे होगी जो 60% विद्युतीकरण होगी। एक UIC जो वर्ल्ड यूनियन रेलवे का डॉक्यूमेंट है एनर्जी एफिशिएंसी का, वो कहता है, ये विश्व के सभी निर्णयकर्ताओं के लिए कहता है, अगर आपके पास $1 बिलियन है उसको खर्च करना है तो पहले रोड पर नहीं रेलवे पे खर्च करिए, और अगर रेलवे है तो उसके विद्युतीकरण पे खर्च कीजिए। 2030 तक हम 60% अक्षय ऊर्जा से रेलवे चलाएंगे, तो रेलवे से जो यातायात चलेगा पैसेंजर, ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होगा, जीरो एमिशन का होगा। COP 27 होने जा रहा शर्म अल शेख में नवम्बर में। COP 26 में प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की घोषणा की थी, जिसमें पांचवा अमृत था भारत को 2070 तक पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल कर देना। उस दिशा में काम करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी और अक्षय ऊर्जा बहुत बड़ा योगदान होंगे, और अक्षय ऊर्जा के द्वारा, रेलवे के द्वारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्रांति लाई जाएगी, यही इसमें गेम चेंजर साबित होगी। विजय जी, फिर से मैं रेल यातायात पर अगर लौटूं, तो वंदे भारत एक ऐसी परिकल्पना थी जो अब साकार रूप ले चुकी है, और अभी हाल ही में रेलवे ने एक तेज रफ्तार की वंदे भारत रेलगाड़ी की घोषणा की, जिसकी की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और जिसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। और हम देखते हैं कि वंदे भारत या इस तरह की तेज रफ्तार वाली गाड़ियों का निर्माण भारत में ही हो रहा है, तो किस तरह से भारत की रेलवे की निर्माण क्षमता को आप देखते हैं कि वो विश्व में अपना एक लोहा मनवा रही है? वंदे भारत भारत में प्लान्ड, डिजाइंड, मैन्युफैक्चर तो पूरी भारतीय गाड़ी है, और इसको 200 किलोमीटर तक जाने की क्षमता धीरे धीरे 200 किलोमीटर को जाएगी। सरकारी सेक्टर में हमारी लोको के कारखाने जो चितरंजन में है, लुधियाना में है, वाराणसी में है, और जो मॉडर्न कोच के कारखाने जो रायबरेली में है, कपूरथला में है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में अल्स्थॉम का 30% भारत में होता है, 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव जो मधेपुरा में बन रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में, भारत में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उत्पादन हो रहा है, और जो विश्व का प्राइस है उससे बहुत कम पे हो रहा है, इस क्षेत्र में निर्यात की असंख्य संभावनाएं हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप बॉडी को एल्युमिनियम का कोच का या वैगन का बना दे तो 6 से 7% ऊर्जा बचत होती है। पहली बात, भारत की एक कंपनी है जिन्होंने एक विदेश की कंपनी को एक्वायर किया है, और उन्होंने पुणे मेट्रो में एल्युमिनियम बॉडीड कोचेज इंट्रोड्यूस किए हैं स्टेट ऑफ आर्ट, जो कि बहुत बड़ी घटना है, हमारे क्षेत्र को एक कदम आगे ले जाती है। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इस वक्त 14.5% है, जबकि USA में 8% होती थी, घटके 6% हो गई है। तो इसको कैसे कम करना है? इसके लिए जो गतिशक्ति पोर्टल है उसके द्वारा जो काम हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं, बाकी जो प्राथमिकताएं जो कि एनर्जी एफिशिएंट मोड पे डाला जाए, ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये देश को बहुत आगे ले जाएंगे। विजय जी, आप चर्चा में शामिल हुए, आपने भारत में रेलवे की प्रगति से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रेलवे के विकास और विस्तार पर चर्चा। चर्चा में भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य विजय दत्त और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।